हाँ होती है। अगर अखिलेश जी रामचरितमानस तो भगवान राम के विरोध में है तो उनके खुल के कह देना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। रामचरितमानस विवाद को लेकर लगातार भाजपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। इन दिनों भाजपा नेताओं को जहां मौका मिल रहा है वहां उनके निशाने पर अखिलेश यादव आ रहे हैं। इस बार मौका हरदोई में था, यहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता नरेश अग्रवाल भी शिकायत करने पहुंचे और मौका मिलते ही नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश अल्लाह को मानते हैं, राम को नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान आया, कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अखिलेश यादव की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि समाजवादी पार्टी के कई नेता इसको लेकर विरोध भी जाहिर कर चुके हैं। अखिलेश जी को सोचना चाहिए, शांत का मतलब हाँ होती है। अगर अखिलेश जी रामचरितमानस तो भगवान राम के विरोध में है तो उनके खुल के कह देना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। वहीं मोदी सरकार की ओर से पूर्व दिव्यंगत नेता मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री सम्मान देने पर नरेश अग्रवाल ने सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जिस सम्मान के हकदार थे उन्हें वो सम्मान सरकार ने बिना पक्षपात के दे दिया है। सरकार ने मुलायम सिंह जी को जो है पद्म विभूषण दिया। डिंपल यादव ने मांग किया कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब मैं मोदी जी को बधाई दूंगा, उन्होंने राजनीतिक विरोध को न देखते हुए एक ऐसे व्यक्ति को दिया है भारत रत्न, जो उस युग था जिसका योगदान है और जो बहुत कठोर परिस्थिति में राजनीति में खड़ा हुआ था। मैं इसका स्वागत करता हूँ। पद्म विभूषण दिया है, जो भी दिया है तो सम्मानित तो किया है। इतना ही नहीं, नरेश अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राशिद अल्वी को एक छोटा नेता बता दिया। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत दिखाने की बात पर उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश ने पीएम मोदी को दोबारा वोट दिया और अब इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। राशिद अल्वी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए हैं, उन्होंने सबूत मांगे हैं और वीडियो जारी किया है, वीडियो जारी कर सबूत मांगे हैं। कैसे देख रहे हैं क्या अच्छा, कोई छोटे व्यक्तियों के बयानों को अगर हम लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। सर्जिकल स्ट्राइक पे पूरे देश ने जब मोदी जी को वोट दिया तो उसके बाद उसका प्रूफ की जरूरत क्या रह गई है, देश से बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले विवाद के बाद लगातार भाजपा नेता समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। जबकि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव की चुप्पी भाजपा नेताओं को आरोप लगाने का बार बार मौका दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।